तो आज हम देखते हैं कि व्हिप्ड क्रीम और बटर क्रीम से डॉल केक की आइसिंग कैसे की जाती है। तो सारे टिप्स देखने और जानने के लिए आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। टिप नंबर 1, जिस भी बर्तन में आप व्हिप्ड क्रीम को बीट कर रहे हैं उसे आप पहले 10 मिनट के लिए फ्रीज में रख दें और फिर उसमें आप ले लें 150 ml व्हिपिंग क्रीम। तो आप अगर किसी ऐसे वेदर में रह रहे हैं जहां की गर्मी बहुत है या फिर रूम टेम्परेचर काफी है और जहां ह्यूमिड बहुत है, तो आप एक बड़ा बर्तन ले लें, उसमें थोड़े आइस क्यूब डाल दें, थोड़ा पानी डाल दें और उसमें फिर ये व्हिप क्रीम का बर्तन आप रख दें। फ्लेवर के लिए आप डाल दें इसमें 2.5 ml वेनिला एसेंस या जो भी आपके पसंद का एसेंस आपको जो डालना है। और यहाँ जो लंदन में व्हिपिंग क्रीम आती है उसमें शुगर बिल्कुल भी नहीं होता है, तो उसमें आप डाल दें 1 टीस्पून शुगर। इंडिया के व्हिपिंग क्रीम में थोड़ा सा शक्कर होता है, मिठास होता है, तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। टिप नंबर 2, आप व्हिप क्रीम को पहले 1 मिनट लो स्पीड में व्हिप करें। आप इसे डायरेक्ट हाई स्पीड में व्हिप बिल्कुल भी मत करिएगा। इंडिया में जो व्हिपिंग क्रीम आती है उसे फ्रीजर में रखा जाता है और यूज करने के 1 या 1.5 घंटा पहले हम उसे निकाल कर फ्रीज में रखते हैं। तो आप ये याद रखिएगा कि व्हिपिंग क्रीम एकदम ठंडी होनी चाहिए और चिल्ड होनी चाहिए। तो जब भी आपको इस्तेमाल करना है आप बस उसी वक्त उसे फ्रीज से निकालिए। तो 1 मिनट हो चुके हैं, तो आप साइड से इसको अच्छे से निकाल लीजिएगा ताकि पूरा जो क्रीम है वो अच्छे से व्हिप होना चाहिए, जो किनारे में छूट जाते हैं वो पार्ट नहीं रहना चाहिए। और अब हम जो व्हिपिंग क्रीम है उसको हाई स्पीड में चलाएंगे। तो इंडिया में जो मैं व्हिपिंग क्रीम यूज करती थी वो बिल्कुल भी मिल्क बेस नहीं होता था, तो इसलिए वो दिखने में एकदम वाइट दिखते हैं। पर जो यूरोप, यूएस और यूके में जो क्रीम मिलता है वो मिल्क बेस होता है, तो इसमें हल्का सा पीलापन जरूर होता है। तो जो ये यूरोप कंट्रीज में और यूएस में ये क्रीम को होल्ड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये थोड़ा भी अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे हम अच्छे से डॉल के फ्रॉक्स बना सकते हैं, क्योंकि ये क्रीम से फ्रॉक बनाना या फ्लावर्स बनाना बहुत टफ हो जाता है। तो क्रीम को आपको तब तक व्हिप करना है जब तक इसमें स्टिफ पीक ना आ जाए। तो देखिए वो करने में आपको 4 से 5 मिनट लगेंगे। आप लगातार इसे हाई स्पीड में ऐसे ही रोटेट मोमेंट में आप चलाते जाएं और ये देखिए 4 से 5 मिनट के बाद आपका जो ये क्रीम है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा और ये देखिए कितने स्टिफ पीक आ गए हैं इसमें। आपको ये तभी तक ही व्हिप करना है, आप इसे ज़्यादा व्हिप बिल्कुल भी मत करिएगा। तो डॉल केक बनाने के लिए मैंने कुछ इस तरीके का मोल्ड यूज़ किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इसमें बहुत अच्छे से डॉल की फ्रॉक बन जाती है। तो टिप नंबर 3 ये है कि जो व्हिपिंग क्रीम है आप उसे केक बोर्ड में पहले अच्छे से लगा लीजिएगा। अगर आप ये स्टेप भूल गए तो आपका केक बिल्कुल बोर्ड में से फिसल जाएगा, तो आप ये स्टेप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो केक जो बना है उसको मैंने 5 लेयर में पहले काट लिया है, तो जो फ्रॉक की लास्ट लेयर है वो हम रख लिए। तो केक का जो फ्लैट पोर्शन होगा आप उसे नीचे की साइड रखिएगा, क्योंकि जो केक है वो बिल्कुल नीचे से फ्लैट होना चाहिए। फिर आप उसमें डाल दीजिए शुगर सिरप, इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप इसको अच्छे से पूरे केक में कॉर्नर्स तक आप इसे अच्छे से डालिएगा, यही रीज़न है जिससे केक बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी बनता है। और साथ में आप एक टिश्यू पेपर ज़रूर रखिएगा ताकि जो एक्स्ट्रा पानी बाहर की तरफ गिर रहा है वो आप अच्छे से क्लीन करते जाएं। और उसके बाद आप इसमें डाल दें व्हिपिंग क्रीम। तो जितना व्हिपिंग क्रीम आपको डालना है आप थोड़ा इसको अच्छे से क्वांटिटी को बीच में ले लें। और एक बात और याद रखिएगा कि आपके पास टर्न टेबल जिसमें ये केक मैंने रखा हुआ है, राउंड टेबल, वो आपके पास ज़रूर रहना चाहिए ताकि आपकी जो आइसिंग है वो बहुत ही अच्छे से लगे। तो जो आपका केक है वो बिल्कुल प्रोफेशनल लुक देना चाहिए। और ये देखिए मैं किस तरीके से इसे लगा रही हूँ, इसे आगे पीछे करके मैं अच्छे से क्रीम को लेयर कर रही हूँ और जहाँ मुझे कम लग रहा है वहाँ मैं और क्रीम ले रही हूँ। और याद रखिएगा कि जो व्हिपिंग क्रीम है वो आप आइस क्यूब के ऊपर ही रखिएगा ताकि वो गर्मी से पिघलना स्टार्ट बिल्कुल ना हो जाए। तो लेयरिंग करने के वक्त आप इसे कंटिन्यू क्लीन भी करते जाइए जितना भी एक्स्ट्रा क्रीम आ रहा है, और जहां आपको लग रहा है कि थोड़ा क्रीम कम लग रहा है वहां पर आप वापस से क्रीम लीजिए और इसे राउंड करते हुए आप लगाते जाइए। कॉर्नर से भी आप इसे एक्स्ट्रा जो क्रीम लगी हुई है वो आप क्लीन करते जाएं। तो जब आप आइसिंग कुछ इस तरीके से करेंगे तो जो केक है वो बिल्कुल प्रोफेशनल लुक देगा।
हो सकता है आपको एक बार में ऐसे करने में कुछ ये टफ लगे, बट आप ये टिप्स जरूर फॉलो करिएगा। तो आप सारे टिप्स फॉलो करते जाइएगा तो आपसे ये केक बहुत ही अच्छा बनेगा, और थोड़ा प्रैक्टिस भी करिएगा। और ये देखिए जो आइसिंग स्पैचुला है वो मैं कंटिन्यू क्लीन भी करते जा रही हूँ, तो आप इसे पूरा एक इवन लेयर लगाइएगा, देखिए कुछ इस तरीके से। और ये देखिए ये काफ़ी अच्छे से एक अच्छा लेयर बन चुका है इसमें, तो आप जो दूसरा पीस है वो ले लीजिएगा केक का। और ये देखिए इसे आप हल्के हाथों से प्रेस करिएगा ताकि जो लेयर है वो अच्छे से चिपक जाए। और सेम प्रोसीजर हम करेंगे, फिर से हम इसमें शुगर सिरप इसको इसके ऊपर डालेंगे, ये देखिए कुछ इस तरीके से। आप स्पून का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इसका जो ब्रश आता है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे प्रेफर करती हूँ कि मैं इसे स्पून से ही डाल दूँ। तो टिप नंबर 4 ये है कि शुगर सिरप डालने के बाद आप उसे सोख होने के लिए 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा, ताकि जब आप उसमें क्रीम लगाएं तो उसमें पानी बिल्कुल भी मत रहे। अगर उसमें पानी रहेगा तो जो क्रीम है वो अच्छे से लेयर नहीं हो पाएगा। देखिए तो आप जो डॉल केक होता है उसकी लेयरिंग छोटी होती जाती है, क्योंकि वो टॉप में जो केक होता है वो छोटा होता है। और हम सेम प्रोसीजर करेंगे जो हमने बॉटम लेयर में किया था नीचे के लेवल पे। देखिए सेम आप स्पैचुला को साफ करते जाएं और क्रीम लेकर इसमें लगाते जाएं। आप मेरा हैंड मूवमेंट है उसे अच्छे ध्यान से देखिए कि मैं किस तरीके से इसमें क्रीम लगा रही हूँ। तो अगर आपको आइसिंग स्पैचुला से लगाने में तकलीफ हो रही है, अगर आप पहली बार ही क्रीम लगा रहे हैं, तो आप एक और काम कर सकते हैं कि आप पाइपिंग बैग में ये व्हिपिंग क्रीम भरिए और फिर आप इसे अच्छे से लेयरिंग करिए, तो आपके लिए लगाना बहुत ही ईजी हो जाएगा। ये बिल्कुल आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। अगर आपने इसको बहुत प्रैक्टिस की है, अगर आपने 7-8 केक इसमें प्रैक्टिस करके बना चुके हैं, तो आप इसे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और ये देखिए जो सेकेंड लेयर है वो अच्छे से हो चुका है, तो मैंने अब डाल दिया है थर्ड लेयर। तो अभी मैं जो वीडियो की स्पीड है वो थोड़ा सा हाई कर रही हूँ, क्योंकि सेम प्रोसीजर हम आगे के तीनों लेयर में करेंगे। तो सेम इसमें शुगर सिरप डालकर मैंने इसमें क्रीम लगाया है, देखिए कुछ इस तरीके से। एक बात इसमें ध्यान देने वाली और है कि जो केक है वो आपका बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। गरम केक में आप आइसिंग बिल्कुल भी मत करिएगा। तो केक बनने के बाद आप उसे 2 घंटे के लिए आप रूम टेम्परेचर में छोड़ दें ताकि वो अच्छे से ठंडा हो जाए। अगर आप गरम केक में आइसिंग करेंगे तो जो आइसिंग है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि केक बनने के बाद भी करीबन 2 घंटे तक गर्म होता है और उसमें अंदर से स्टीम निकलती है। तो आप बिल्कुल आइसिंग करने के पहले ये याद रखिएगा कि जो केक है वो अच्छे से ठंडा हो चुका हो, और उसके बाद ही आप इसमें क्रीम लगाइएगा। तो ये जो छोटे छोटे टिप्स हैं उस वजह से केक बहुत अच्छा बनता है और केक टूटता भी नहीं है और आइसिंग भी बहुत ही अच्छे तरीके से होती है। तो आप ये सारे टिप्स याद रखिएगा। तो अब मैंने इसमें लगा दिया है फ्रॉक का टॉप लेयर, तो इसमें भी सेम प्रोसीजर हम करेंगे। इसमें सिरप डालेंगे और फिर इसमें क्रीम लगाएंगे। तो सिरप डालते वक्त आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये लेयर बहुत ही छोटी होती है, तो आप इसमें 1/2 स्पून करके ही सिरप लगाइएगा। और ये देखिए उसके बाद आप लगा दीजिए इसमें क्रीम। बस जो हमारा क्रम कोटिंग है केक का, इसे क्रम कोटिंग कहा जाता है, ये ऑलमोस्ट रेडी है। अब मैं जो कैमरा है उसे साइड से करके आपको दिखाती हूँ कि इसे क्रम कोटिंग कैसे करना है। तो क्रीम आप लीजिएगा और इसे इस कुछ इस तरीके से स्पैचुला को आप चलाते हुए इसे क्रम कोटिंग करिएगा। मैंने जो डॉल का फ्रॉक है वो सामने की तरफ फ्रील ज़्यादा रखा है, तो आप अपने चॉइस के अनुसार जैसे भी कर सकते हैं, या स्ट्रेट फ्रॉक भी बना सकते हैं। तो ये क्रम कोटिंग इसलिए की जाती है ताकि जो केक है वो अच्छे से इसका फ्लेवर एब्जॉर्ब कर ले। और ये देखिए ये बहुत ज़्यादा इवन होना ज़रूरी नहीं है, आप इसे बस अच्छे से आप क्रीम लगा दें। और टिप नंबर फाइव ये है कि आप ये क्रम कोटिंग करने के बाद इसे फ्रिज में कम से कम 1 घंटे के लिए आप रख दें, ताकि जो केक है वो अच्छे से ठंडा हो जाए और पूरा क्रीम का फ्लेवर एब्जॉर्ब कर ले। और ये देखिए नीचे से भी आप पूरे क्रीम इसमें अच्छे से भर दीजिए। तो जब हम इसमें ऊपर से फ्रॉक बनाएंगे तो जो फ्रॉक है वो बहुत अच्छे से बन जाएगी, देखिए कुछ इस तरीके से। तो 1 घंटा केक अच्छे से ठंडा होने के बाद ये फ्लेवर बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर चुका है। तो टिप नंबर सिक्स ये है कि जो व्हिपिंग क्रीम है वो आप एक बार फिर से व्हिप करिएगा। कुछ आपको 100 ml का व्हिप क्रीम फिर से लग जाएगा,
सेम प्रोसीजर से आप व्हिपिंग क्रीम करिएगा और उसके बाद आप इसे एक आउटर लेयर दीजिएगा फाइनल कोटिंग। पहला वाला क्रीम आप यूज मत करिएगा क्योंकि उसमें बहुत सारे केक के क्रम्स होते हैं जो कि फाइनल लुक में अच्छे बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं। तो ये देखिए सेम हम जो आइसिंग स्पैचुला है उससे अच्छा इवन इसमें आप एक लेयर बना लें। डॉल केक में एक फायदा ये होता है कि इसमें जो हम फाइनल लेयर कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये पूरे फ्लावर से कवर हो जाते हैं। तो आप घबराइएगा नहीं अगर ये जो लेयर है आपसे बिल्कुल इवन ना लगे क्योंकि इसके ऊपर हम जो फ्लावर बनाएंगे वो बहुत ही अच्छा बनेगा और ये जो आपका अनइवन है वो बिल्कुल कवर हो जाएगा। तो टिश्यू पेपर से आप इसे अच्छे से क्लीन करिए और इसे हाफ एन आवर आधा घंटे के लिए फिर से फ्रिज में आप रख दें। तो फ्रिज में रखने के पहले आप इसमें से एक्स्ट्रा क्रीम बिल्कुल निकाल लीजिएगा। ये देखिए टेबल आप कंटिन्यू टर्न करते रहिए और रोटेशन मोमेंट में आप इसमें से स्पैचुला को घुमाते हुए क्रीम निकाल लें और इसे फ्रिज में रख दें। तो जब तक केक ठंडा हो रहा है हम बना लेते हैं उसकी बटर क्रीम आइसिंग। तो यहाँ पर आप ले लें 250 ग्राम अनसॉल्टेड बटर और बटर को आप अच्छे से व्हिप्ड मशीन से चला लीजिएगा। जो बटर है वो बिल्कुल हार्ड नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट रहना चाहिए और ठंडा रहना चाहिए। और ये देखिए आप इसे 2 मिनट तक अच्छे से चलाएं। तो आप मेल्टेड बटर बिल्कुल भी मत लीजिएगा, जो बटर है वो थोड़ा ठंडा होना ज़रूरी है। आप ऐसा बटर लीजिएगा जिसको आप नाइफ से आसानी से काट सकें। तो 2 मिनट आपको व्हिपिंग करने के बाद ये देखिए बटर कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो जब ये कुछ इस तरीके से अच्छे से सॉफ्ट बटर हो जाए तब आप उसमें डाल दीजिए 100 ग्राम चीज़ क्रीम, या आपको इजीली किसी भी स्टोर में मिल जाएगा। यूरोप, यूएस एंड यूके में तो ये बहुत ही पॉपुलर है, आपको आसानी से किसी भी ग्रॉसरी शॉप में ये मिल जाता है। तो जो चीज़ क्रीम है वो भी ठंडा होना चाहिए और ये देखिए उसे आप अच्छे से 2 मिनट तक चीज़ और बटर को अच्छे से व्हिप कर लीजिए, मीन्स अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये जो बटर क्रीम आइसिंग है ये गर्मियों के टाइम या जब ह्यूमिड होता है, बहुत बारिश हो रही है बाहर, तब ये बहुत ही यूज़फुल होता है क्योंकि इससे जो आइसिंग है वो बहुत ही अच्छे से बनती है। तो देखिए मैंने इसके बाद इसमें डाल दिया है कंडेंस मिल्क करीबन 200 ग्राम। तो जब आप इसे कंडेंस मिल्क डालकर आप इसे व्हिप्ड करेंगे तो इसमें थोड़ा सा कर्ड टाइप का टेक्सचर आएगा, बट डरने की कोई बात नहीं, आप इसको कंटिन्यू आप मिक्स करते जाएं क्योंकि जो हमने चीज़ डाला हुआ है उसकी वजह से ये ऐसा रिएक्ट करेगा। और आप इसे कंटिन्यू मिक्स करेंगे जब 2 से 3 मिनट के लिए, तो आप देखेंगे कि ये एक साथ फिर ऐसे मिक्स हो जा रहा है। ये देखिए कितना स्मूथ, और इससे जब आप कोई फ्लावर्स या फिर पेटल्स बनाएंगे तो इसका शेप बहुत ही अच्छा आता है। तो ये देखिए जो हमारा फ्रोस्टिंग है बटर क्रीम का वो भी अच्छे से रेडी हो चुका है। तो अब बारी आती है क्रीम को पाइपिंग बैग में डालने की। तो आप एक ग्लास लीजिएगा, उसमें पाइपिंग बैग कुछ इस तरीके से डालिएगा और उसमें फिर आप कोई भी व्हिपिंग क्रीम या फिर जो बटर क्रीम फ्रोस्टिंग है वो आप डाल सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये एक बहुत ही आसान तरीका है इसमें क्रीम डालने का। तो पाइपिंग बैग में आप पहले नोजल डालिएगा, मैंने इसमें रोजेट नोजल यूज़ किया है जो मोस्टली बार्बी डॉल के फ्रॉक के लिए यूज़ की जाती है। तो क्रीम डालने के बाद आप नोजल नहीं डाल पाएंगे इसलिए पहले नोजल डालिएगा बैग में, उसके बाद ही आप क्रीम डालिएगा। और देखिए कुछ इस तरीके से आप जो पाइपिंग बैग है इसमें अच्छे से क्रीम फिल हो चुका है। तो मैं यहाँ पर जो डॉल है वो 2 कलर से बना रही हूँ तो मैंने 2 कोन इसमें यूज़ किया है। तो टिप नंबर 6 ये है कि पाइपिंग बैग से आप थोड़ा क्रीम निकाल लिएगा ताकि उसमें से एयर बबल जो भी हो वो निकल जाए। तो मुझे फ्रॉक वाइट एंड पिंक कलर में बनाना है तो मैंने इसमें पिंक कलर फूड कलर लिया है। क्रीम अलग से निकाल कर उसे आप अच्छे से मिक्स कर लें। और इसमें एक ऑप्शनल स्टेप है, मैं इसमें टूथपिक की सहायता से कुछ डिज़ाइन बना रही हूँ ताकि मुझे एक आइडिया हो जाए कि मुझे किस पोर्शन में पिंक कलर डालना है और किस पोर्शन में वाइट। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पूरा फ्रॉक एक ही कलर में बनाना है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से ईजी हो जाता है। तो पाइपिंग बैग को आप लीजिए और ये देखिए जो भी फ्लावर है वो आप अंदर से बाहर की ओर बनाएं, ना कि बाहर से अंदर की ओर। और अगर पाइपिंग बैग में या नोजल में थोड़ा क्रीम है तो आप उसे क्लीन करें और फिर दूसरी फ्लावर बनाएं। तो ये देखिए बटर क्रीम के कारण कितना स्मूथ जो है वो बनाना भी इजी हो जा रहा है और जो फ्लावर है उसका कितना अच्छा सा डिज़ाइन आ रहा है। तो मैंने सोचा है कि मैं इसे पिंक और वाइट कलर में बनाती हूँ। तो जो मेरे इंडिया के सब्सक्राइबर हैं वो इसे व्हिपिंग क्रीम से भी बना सकते हैं क्योंकि ये बटर क्रीम है, इस वजह से इसका
जो कलर है हल्का सा येलो है, ऑफ वाइट है। ये देखिए कितना जल्दी जल्दी ये बन जा रहा है। तो अगर आपके पास केक आइसिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं अपने सब्सक्राइबर को उनके क्वेश्चंस के आंसर देती हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि नेक्स्ट रेसिपी मैं केक से या कोई भी रिलेटेड डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और ये देखिए आप अपनी मर्जी से कोई भी डिज़ाइन इसमें बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है एक डॉल केक बनाने का। तो फ्लावर के लास्ट रो कंप्लीट करने के बाद हम इसमें डॉल लगाएंगे। ये डॉल मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल है, 50 रुपीज़ से लेकर 100 रुपीज़ तक आ जाती है। तो अब हम इसका टॉप बनाएंगे। तो टॉप के लिए मैंने ले लिया है स्मॉल नोजल, स्टार नोजल। सो इससे आप इसका मन चाहा आप कैसा भी इसका टॉप बना सकते हैं। तो जो डॉल के हेयर हैं वो आप पहले थोड़ा सा पीछे कर लीजिएगा ताकि उसमें जो क्रीम है वो बिल्कुल भी ना लगे। और इसके हाथ थोड़े से आप ऊपर कर लीजिएगा ताकि आपको क्रीम लगाने में बहुत ही इजी से ये लग जाए, आसानी हो। ये देखिए कुछ इस तरीके से आप स्मॉल स्टार वाले कर लीजिएगा। तो अब देते हैं हम केक को एक फाइनल लुक। तो इसके लिए मैंने यूज़ किया है कुछ एडिबल स्पार्कल्स। तो ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं और ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगर आपके पास कोई और आइडिया है तो आप वैसे भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये देखिए ये दिखने में बहुत अच्छे दिखते हैं, इससे फ्रॉक का बहुत ही अच्छा एक लुक आता है। और अगर आपके जो केक आइसिंग में कुछ खाली स्पेस बच गया हो तो आप उसे कुछ इस तरीके से फ्लावर्स बना के कवर कर सकते हैं ताकि जो फ्रॉक है वो फुली फ्लावर से डेकोरेट दिखे। और ये देखिए कितनी अच्छी डॉल बन के रेडी हो चुकी है। तो आपको ये केक आइसिंग की रेसिपी कैसी लगी ये मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।